अभी तक विपक्ष तो ईवीएम पर सवाल उठाता ही आया है, लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के दो चरणों के मतदान के आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग की देरी पर सवाल उठाते हुए विपक्षी INDI गठबंधन के नेताओं को पत्र लिख चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रणाली की रक्षा करने के लिए सामूहिक आवाज उठाने की जरूरत बताई है। वोटिंग आंकड़े में विलम्ब के साथ ही चुनाव क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं और मतदान करने वाले लोगों का आंकड़ा जारी नहीं कर पाने पर चिंता जताते हुए आयोग से इसका कारण पूछा है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि हम सभी जानते हैं कि पहले दो चरणों में मतदान के रुझान और कमजोर होते चुनावी भविष्य से PM नरेंद्र मोदी और भाजपा किस तरह घबराए हुए हैं और निराश हैं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश जानता है कि सत्ता के नशे में चूर एक निरंकुश शासन कुर्सी पर बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार को भी पत्र लिखा है और इस पत्र की प्रति उन्होंने ट्विटर पर भी जारी की है। खड़गे ने कहा कि हालिया घटनाक्रम से जाहिर है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। तीसरे चरण की अंतिम पंजीकृत मतदाता सूची भी जारी नहीं की गई। आपको बता दें खड़गे ने आरोप लगाया है कि इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संशय के काले बादल मंडरा रहे हैं और अपने 52 साल के चुनावी जीवन में कभी भी अंतिम प्रकाशित आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में इतनी अधिक वृद्धि उन्होंने नहीं देखी। साथ ही खड़गे ने पूछा कि क्या ईवीएम को लेकर कोई समस्या है। पहले चरण के लिए मतदान की समाप्ति की तारीख और आंकड़ा जारी करने में हुए विलंब तक मतदान प्रतिशत में 5.5% की वृद्धि क्यों हुई है। मतदान आंकड़े में संसदीय क्षेत्र और संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोट जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए हैं। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि आयोग के अनुसार उम्मीदवारों के पोलग एजेंटों के पास प्रत्येक मतदान केंद्र का सटीक मतदाता डेटा होता है। इसका मतलब है कि आयोग के पास ये आंकड़ा है तो फिर लोगों के लिए प्रकाशित करने से कौन रोक रहा है। क्या चुनाव आयोजन की बुनियादी बातों में इस घोर कुप्रबंधन के लिए चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इन सवालों के साथ खड़गे ने कहा कि सभी तथ्य हमें एक प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या ये अंतिम परिणामों से छेड़छाड़ करने का प्रयास हो सकता है। पवार के साथ विपक्षी गठबंधन के सभी नेताओं से पत्र में खड़गे ने आग्रह किया है कि सामूहिक रूप से सभी एकजुट होकर स्पष्ट रूप से ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दो चरणों के मतदान के आंकड़े जारी करने में चुनाव आयोग की देरी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है।